देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर एक क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। तो 2 ब्रैकेट 12 माइनस 3 प्लस 4 ब्रैकेट 10 माइनस 7 लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि सर जब भी हम वी बोर्ड मास का यूज करेंगे, वी बोर्ड मास, तो उसके अंदर सबसे पहले वी, अगर आपके पास में रेखा बंधनी विनिकुलम नहीं है तो पहले सर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इधर हमने ब्रैकेट सोल्व किया तो 12 माइनस 3 किया तो सर कितना आ गया 9 प्लस 4, इधर ब्रैकेट किया तो सर कितना आया 3। यहाँ ब्रैकेट के बाहर किसी प्रकार का कोई साइन है? नहीं सर, यहाँ पर कोई चिन्ह या साइन नहीं है। तो किसका साइन हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई का। इधर 4 मल्टीप्लाई 3, 9 2 जा सर 18, 4 3 जा सर कितना हो गया 12, और 18 और 2 अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 और 10 20, 8 और 2 10, तो हमारे पास में कितना हो गया सर 30। तो इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर? ऑप्शन नंबर जो इसका रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, ब्रैकेट को सोल्व किया उसके बाद में मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब सेकंड पे डिस्कस किया वो क्या लिखा हुआ सर? 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। बहुत ध्यान से देखना एक एक बातों को सर। इसमें अगर सबसे पहले अगर हमें सोल्व करना होगा तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? वी बोर्ड मास में देखें तो सर सबसे पहले हमारे पास में एक तो यहाँ पर डिवाइड है, एक ये वाला है, एक मल्टीप्लाई है, एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है। तो पहले किसका यूज आएगा सर? D4 डिवाइड, सबसे पहले किसका यूज करेंगे? डिवाइड का। तो सर एक तो डिवाइड में हमारे पास में ये लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई और डिवाइड है नहीं। सर अगर इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, माइनस इधर 3 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए और प्लस 2 कर दीजिए। इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ कि आपने हमें एक बात सिखाई थी कि अगर इस तरह कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखी जाए तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं सर? हम वहां पर पहले इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने फ्रैक्शन में भी सीखा था, जब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसी के साथ में जब हमने कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों की तुलना, इन सब में हमने ये बातें बहुत अच्छी तरह देखी थी। यहाँ पर सर इसका डिवाइड कर देंगे तो ये 4 टाइम होगा और ये 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो ये गुणा या मल्टीप्लाई के कितने बना देंगे सर? 20 बना देंगे। इधर क्या हुआ कि सर ये नंबर माइनस की थी और ये नंबर प्लस का था, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो कर नहीं सकते पहले कि 2 और 2 4 कर दे, क्योंकि सर पहले तो एम आता है बाद में ए आता है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मल्टीप्लाई किया तो सर 1 माइनस की है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? प्लस से। कल भी बताया था और पहले भी बताया था कि सर ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो ये आ गया सर माइनस में, 3 2 जे कितना हो गया 6 और प्लस कितना हो गया 2। अब आप एक बात बताइए, जल्दबाजी में कभी भी इसको 6 और 2 8 मत कर देना। कितना मत कर देना सर? 6 और 2 8। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो सर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर 6 जो है वो हमारा नेगेटिव नंबर है और 2 जो है वो हमारा कैसा, गुड आफ्टरनून, और 2 जो हमारा है वो सर पॉजिटिव नंबर है। तो एक बात बताइए कि जब एक अगर माइनस का है, एक नंबर अगर प्लस का है, नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आपके साथ में लिखे हुए, तो वहां पर क्या होगा सर? वहां पर तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, फिर आप यहाँ पे एडिशन कैसे कर सकते हो? नहीं सर, ऐसा काम नहीं कर सकते। तो फिर ये वाला हटा दीजिए बुक्स कि सर हम कभी भी ये नहीं कर सकते, इस बात का बहुत ध्यान रखना। एग्जाम में इसी तरह लिखा जाएगा और ये छोटी सी गलती हो जाती है एग्जाम में, ये नहीं करनी। तो क्या करें? तो सर एक काम करो ना, पहले इस 20 में से 6 को माइनस कर दो। तो 20 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 14। और 14 में क्या प्लस कर दो सर? 2 प्लस कर दो, कितना हो गया सर? 14 और 2 कितने हो जाएंगे सर? हमारे पास में हो जाएंगे 16। या फिर पहले अगर प्लस करना चाहो तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, कितना हो गया सर? ये दोनों 18 हो जाएंगे, सॉरी 22 हो जाएंगे ना, ये दोनों पहले, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो गया सर 22। और उसमें से अगर 6 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा? 16। बस गलती कहाँ होती है मैं बता देता हूँ, गलती बच्चे यही एक गलती करते हैं, ये जो ये वाली गलती है ना, ये कर देते हैं बच्चे गलती, और इसलिए उनका आंसर क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। बस ये वाली आप गलती मत कर देना कभी भी, बस ये छोटी सी गलती करते हैं और फिर वो रॉन्ग हो जाता है। बाकी तो चाहे आप पहले इस तरह करो, चाहे ये वाला मेथड यूज करो, चाहे ये वाला करो, आंसर सेम रहेगा, लेकिन बस ये वाली गलती करते क्या होगा, फिर आप 20 में से कितना माइनस कर दोगे? 8 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 और जो आपका रॉन्ग है, ये कभी मत करना। और देखो दिया हुआ भी है ना, दोनों आंसर दिए हुए, और बच्चा क्या करेगा?
यहाँ पे ब्लैक कर देगा। ये लो सर, हम तो बहुत अच्छे, हमने तो पूरा क्वेश्चन सही करके आए थे। फिर घर पे आके पता चलता है जब आंसर देखते कि अरे सर ये गलती कर दी हमने, ये तो गलती नहीं करनी थी, आपको नहीं करनी है ना ये वाली गलती। तो इसका आंसर कितना आएगा सर, 16 इसका आंसर रहेगा, इसका कोई भी 12 आंसर नहीं रहेगा। तो इस वाली गलती का बहुत ध्यान रखना विशेष, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही हमें एग्जाम से थोड़ा सा दूर कर देती है ना। सिलेक्शन से यही एक दो नंबर हमारे क्या होते हैं, यही हमें पीछे कर देते हैं, और यही जो सही कर देता है वो ध्यान रखता है, वो एक दो नंबर आगे जाके सिलेक्शन ले लेता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से रखना, मैं आपको हर बार ये रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। 16 × 5 / 10 + 4 − 3। सर फिर से हमारे पास में कुछ साइंस है, और सबसे पहले हमें पता है कि किसका यूज करेंगे सर, सबसे पहले हमें करना होता है डिवाइड। सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड। तो सर ये 16 × 5 लिखा हुआ है, अपॉन में 10 लिख दें, लिख सकते हैं अपॉन में 10 + 4 − 3। सर हमें ये पता है कि इन दोनों में डिवाइड किसका हो रहा है, 5 का। अगर ध्यान रखना आपका अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में अगर कभी समान संख्या का अगर भाग जाए या सेम नंबर से डिवाइड जाए तो आप डिवाइड कर सकते हो। अभी दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है, हाँ सर। तो अगर 5 में 5 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना रहेगा, 1। अगर यहाँ 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 2। प्लस कितना हो गया, 4, माइनस कर दिया 3। अब एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया था ना कि इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए तो क्या करेंगे सर, पहले इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड, 2 का 6 में कितना हो जाएगा, 16 में सर 8 टाइम। और अगर 8 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 अगर आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों तो फिर मल्टीप्लाई भी तो करने पड़ेंगे ना इन्हें, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा, 8, गुड इवनिंग, + 4 − 3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे मैं बताता हूँ देखो क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ करेंगे कि जो ये 4 और 3 में से पहले 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो माइनस ही हो रहे, और यहाँ पर कोई आपको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये इसी तरह होना है, 1 प्लस है 1 माइनस है, तो आराम से ये क्या हो जाएंगे सर, ये प्लस माइनस तो ये माइनस ही होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे ना, तो आप इजीली कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 8 और 4 कितना हो गया, 12, और माइनस कर दिया 3, तो कितना आंसर आ गया सर, हमारे पास में आ गया 9। और ये रहेगा सर हमारा एक छोटा सा आंसर, वो भी कितना रहेगा सर, 9। और वो भी 9 किसका, प्लस का 9 रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन था, डिवाइड किया तो 5 और 10 के अंदर दोनों में सेम नंबर का डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने 5 का डिवाइड करके इसको 1/2 बना दिया। 2 का 16 में डिवाइड कर दे सकते हैं हम, जब 16 में 2 का डिवाइड किया तो 8 टाइम हो गया, और 8 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, 8 + 4 − 3, 8 और 4 12, 12 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया सर हमारे पास में, 9 हमारा इसका क्या रहा सर, आंसर रहा, ठीक है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मेथड का ध्यान रखना है वी बोर्ड मास का, बाकी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है सर। ये लिखा 6 − 2 + 3 / 1 = 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन है सर, आप हम सबको पता है कि पहले डी 4 डिवाइड करेंगे, क्योंकि वी बोर्ड मास में पहले डी आता है। और अगर 3 में 1 का डिवाइड करेंगे, आप मुझे बताओ 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो 6 − 2 + 3 = 4। अब बताओ वी बोर्ड मास क्या कहता है, सर उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, तो ये लो सर पहले मल्टीप्लाई कर दो, 6 − 2, गुड इवनिंग, 4 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, गलती से भी ये वाली गलती मत कर देना, फिर बता रहा हूं, हर बार यही बताता हूं कि आप गलती से भी 6 − 14 मत कर देना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर यहाँ वाला नंबर माइनस का है, यहाँ वाला प्लस का है, तो ये हमेशा एडिशन होगा। तो फिर सर इसका आंसर कितना आएगा, मैं बताता हूँ, ये आपका आंसर क्या है, ये आपका गलत है। तो फिर क्या आएगा इसका, देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि ये वाले जो नंबर है सर हमारे पास में, ये वाले नंबर कैसी दी हुई है सर, ये वाले नंबर दी हुई है माइनस की, ये वाले नंबर किसकी है, माइनस की, और ये वाले नंबर किसकी है, ये वाले नंबर है प्लस की। तो 1 − 1 + क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको कितना लिखोगे सर, 6, ये कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि 12, और अगर आप −2 और + 12 करोगे तो आंसर तो 10 रहेगा। बड़ी संख्या किसकी है, ग्रेटर नंबर किसका है, आप कहोगे सर पॉजिटिव है, तो जब ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो 6 + 10, और 6 और 10 कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। और इस तरह आपका आंसर कितना आ गया सर इसका,
इसका आंसर आ गया सर 16, इसका आंसर रहेगा। दोबारा देख लीजिए, पहले डिवाइड किया 3 में, 1 का डिवाइड किया 3, फिर मल्टीप्लाई किया 4, तो कितना हो गया 12। अब पता चला कि सर ये प्लस का 12 है, ये किसका है, प्लस का 12 है, माइनस का 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे और 12 और 2 का अगर डिफरेंस करेंगे तो 10 रहेगा। ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या किसकी है सर, प्लस की है, तो प्लस के तो 10 आपका किसका रहेगा, पॉजिटिव, तो 6 और 10 कितना हो गया सर हमारे पास में 16 हो गया, और ये हमारा एक छोटा सा इसका क्या था, आंसर था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास में, हमारे पास में सर इसके अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 5 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 9। यस गुड आफ्टरनून सर, सर ये आप कौन से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 बनवा देता हूँ ना, छोटा सा क्वेश्चन है पहले उसको पूरा कर लेते हैं फिर 6 बनवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, सबको पता है कि सबसे पहले वी बोर्ड मास्क का यूज करना है, और वी बोर्ड मास्क का जब यूज करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ वी बोर्ड मास्क, ओके सर, पहले डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड होंगी सर, जब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहना है, ये तो पता आपको, क्योंकि एक प्लस प्लस रहना है। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, मल्टीप्लाई 5 प्लस 9, इसके बाद में क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई 1 प्लस और दूसरा भी प्लस, तो दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहना आंसर भी, क्योंकि प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा सर, प्लस रहेगा, तो ये कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 9। जब ये सर तीनों प्लस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 16 और 15 कितना होता है 31, और 31 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 40, तो इसका आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 40 इसका आंसर रहा। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइंड का यूज करना पड़ेगा। 4.5 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 3.5, ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना सर। सबसे पहले हमें पता है कि डिवाइड करना है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर तो हमें पता है पॉजिटिव में रहना है, लेकिन आपने अभी तक देखा होगा कि सर 1.5 और डिवाइड बाय ऐसे तो लिखेंगे 0.5। एक काम करो, इनके पहले आप पॉइंट्स को हटाओ सर, जब पॉइंट्स हटाएंगे तो इसके बाद में वन डिजिट है तो नीचे 10 लिखेंगे, इसके बाद में वन डिजिट है तो नीचे ऊपर भी 10 लिखेंगे, और जब ये लिखेंगे तो ये यहाँ से पॉइंट तो हट जाएंगे हमारे पास में। अब पता चला कि सर दोनों तरफ इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए ऊपर और नीचे, इस बात का विशेष ध्यान रखना सर, यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी है, 10 से 10 हट जाएंगे मतलब 1 रहेगा। अब यहाँ पर अगर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना रहेगा 15, कितना रहेगा सर, यहाँ रहेगा 15, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि सर 0.5 जो होता है ना आपके पास में 0.5, उसको आप 5 भी लिख सकते हो, 0.5 को 5 लिख सकते हो, इधर वाला 0 हट सकता है, कभी भी आप इसको 5 मत लिख देना, कभी भी इसको 5 मत लिख देना क्योंकि ये 50 है, इधर वाला 0 हट सकता है, इधर वाला नहीं हट सकता, तो ये कितना हो गया सर, इधर अगर 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 1 से गुणा करते तो 5। अब बताइए कितना आंसर आया सर, 3 टाइम्स 5, 3 जा 15, तो ये रहा सर 3 मल्टीप्लाई इधर कितना है 4.5 प्लस इधर कितना है 3.5। सर ये तो हमारा इधर रह गया 3, तो इससे आ गया, अब क्या करना है, अब सर मल्टीप्लाई करना है। एक बार के लिए आप 4.5 को 45 देख लीजिए, पॉइंट के ऊपर छोड़ दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस मत कर देना पहले, पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आता है। 5 3 जे 15, 1 रहा कैरी, 3 4 जे 12 और 1 कितना हो गया सर 13। अब आप एक बात बताइए कि जब आपने ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद में टोटल कितनी डिजिट है, आपने कहा सर डेसिमल के बाद में इसके पास में 1 डिजिट है, इधर कोई डिजिट नहीं है, तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट सर 1 डिजिट, तो इधर से काउंट करो 1, कितना 1, और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, क्योंकि 1 डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया सर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 13.5 प्लस 3.5। चलिए प्लस कीजिए, 13.5 में आप डेसिमल की जगह डेसिमल, इधर के नंबर इधर, इधर के नंबर इधर, 5 और 5 10 डेसिमल, 1 इधर कैरी आ गया, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये 1 आ गया, आंसर कितना आया 17.0। अब ध्यान रखना, क्या डेसिमल के बाद में कोई नंबर है, हाँ सर 0, देखो 0 अगर डेसिमल के बाद में केवल ओनली 0 लिखा हुआ है, अगर आपके डेसिमल के बाद में पॉइंट के बाद में केवल 0 लिखा हुआ है तो
तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो इसका मतलब कि सर इस 17.0 को हम 17 भी लिख सकते हैं। यस सर, आप 17.0 को 17 भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है कि सर ये 17 ही आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में जो जीरो होता है उसे आप हटा सकते हो। एक बार के लिए दोबारा देखिए, सबसे पहले सर आपके पास में यहाँ पर डिवाइड करना था 1.5 को 0.5 से, इसका पॉइंट आया यहाँ पर, इसका पॉइंट का डेसिमल ऊपर, तो एक जीरो से एक जीरो हट गया था अपना। फिर सर 15 में 5 का डिवाइड किया तो 3 टाइम 4.5 को हमने एक बार के लिए पॉइंट बोलकर 45 कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आया। पता चला कि सर इन दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद में केवल 1 डिजिट है, ओनली कितनी है 1 डिजिट, तो हमने यहाँ पर 1 डिजिट काउंट की। और इधर से इस तरफ से ध्यान रखना, इधर राइट साइड से काउंट करना है, यहाँ पर 1 डिजिट लिखा और फिर पॉइंट लिख दिया, तो कितना आ गया 13.5 प्लस कितना है सर 3.5। 13.5 में 3.5 अगर प्लस करें तो 5 और 5 कितना सर 0, 1 रहेगा कैरी, 3 और 3 6 और 1 कितना 7। ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, यहाँ भी डेसिमल होना चाहिए, और 1 कितना हो गया 17। 17.0 सर पॉइंट के बाद में केवल और केवल 0 आ, क्या 0 के अलावा कोई और नंबर है? नहीं सर। तो आप 17.0 को 17 भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बनवा देता हूँ, उसके बाद में फिर आप आगे का बनाना ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं बनवा रहा हूँ, उसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बनवा देता हूँ। बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला करवा दूं ना, अभी इसको देख लीजिए ना, इसके साथ में वो वाला डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। 0.9 सर यहाँ भी सेम कहानी है पीछे वाली, कि सर पहले डिवाइड करना है 0.9 में, 0.9 का डिवाइड करना है। तो आप एक बात बताइए कि 0.9 में आप अगर 0.9 का डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, तो नीचे कितने 0 1 0, इधर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, ऊपर कितने 0 1। अब एक बात बताइए कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे, क्या मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन दिखाई दे रहा है? नहीं, तो फिर आप इनमें से हटा सकते हो। सर 0 से 0 हट गया, अब क्या बचा सर? इधर ये पॉइंट हट गया, इधर वाला ये पॉइंट हमने हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, ये जीरो आप हटा सकते हो क्योंकि पीछे लिखी हुई है। हाँ सर, अब हुआ क्या कि सर ये कितना रहेगा 9 और ये कितना रहेगा 9, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 में अगर 9 का डिवाइड करोगे तो कितना आंसर रहेगा सर 1। तो इसका मतलब कि सर 0.9 मल्टीप्लाई इसका आंसर कितना आ गया 1, माइनस 0.9 प्लस 0.9, ठीक है। ये वाला यहाँ लिख देते हैं, इसको छोटा करके यहाँ छोड़ देते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ क्या हुआ सर, इसके बाद में हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी या 1 से गुणा होगी तो वही नंबर रहेगी 1 से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सेम नंबर रहेगी, माइनस 0.9 प्लस 0.9। कभी भी पहले इन दोनों को प्लस मत कर देना, इन दोनों को पहले कभी भी प्लस मत कर देना क्योंकि माइनस की है। तो एक काम करो, पहले इस 0.9 में से 0.9 को माइनस कर लो। आपको कि सर सेम में से सेम माइनस करोगे तो जीरो रहेगा आपके पास में, प्लस कितना रहा सर जीरो, क्योंकि आपके पास में 0.9 थे, उसमें से आपने 0.9 ही माइनस कर दिया तो जीरो रहा। और अगर जीरो में किसी जीरो, आपके पास में कितनी चॉकलेट्स थी सर जीरो, और हमने आपको कितने दे दी सर 0.9, तो आपके पास में कितनी होगी सर, हमारे पास में 0.9 होगी, हमारे पास तो पहले कुछ नहीं था और आपने हमें 0.9 दे दी, तो हमारे पास भी कितना रहा सर, हमारे पास भी 0.9 हमारे पास में टोटल चॉकलेट्स आ गई, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो गया सर, एकदम से राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सर 8 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक काम करो, पहले इनको कन्वर्ट करो, तो 8 टू 16 और 1 कितना हो गया 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, ये भी कितना सर 17 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 2। पहले मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, क्या बताता हूँ देखना, आप अगर देखो एक नंबर आपको इस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में, यस सर, एक इधर मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, बीच में माइनस है ना, तो एक काम करो, ये तो कितना हो गया सर 73 51 अपॉन 2 माइनस 72 34 अपॉन 2। एलसीएम कितना होगा सर 2 होगा, क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर का एलसीएम सेम नंबर रहता है,
टू का अगर आप टू में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम, वन टाइम, और वन को अगर 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51, माइनस टू का अगर टू में डिवाइड करोगे तो वन, और ये कितना हो जाएगा सर 34। चलो 51 में से 34 को माइनस कर दो तो आपने क्या सर, ये 4, ये 11, कितना 7, 4 - 3 तो 1, ये कितना हो गया सर 17/2, कितना हो गया 17/2। आपको क्या सर, ये 17/2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, क्या आपको चारों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको ये वाला देखना है क्या ऑप्शन में है, वन नहीं सर, ये नहीं है, ये नहीं। अरे सर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है तो कन्वर्ट करके देख लो, 17 में 2 का डिवाइड करो, ए टू जे कितना होता है 16 माइनस 1, क्या इसके बाद में यहाँ कोई नंबर है? नहीं, पॉइंट में लिखना है सर, क्यों लिखना है जब ऑप्शन में पॉइंट है ही नहीं? तो फिर यू बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाओ और यहाँ से फिर ऐसे जाओ, तो सर ये कितना हो गया एच, ये 1 यहाँ पर लिखा जाएगा अपॉन ये 2 यहाँ लिखा जाएगा, तो 8/1/2 ये क्या रहेगा सर, इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। आपको एक और अच्छी बात बताऊं यहाँ से, चलो आपको एक कुछ नई बात सिखाता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में आएगी, कुछ को नहीं समझ में आएगी, और हो सकता है कि सबको समझ में आ जाए, है ना। एक नई बात सिखाता हूँ, आपके पास में ये लिखा हुआ है ना 17/2 मल्टीप्लाई कितना था सर 2, ठीक है, एक नई बातें सिखा रहा हूँ यहाँ से, कोशिश करना समझने की। आपके पास में टू टाइप्स के नंबर है, एक इधर नंबर लिखा हुआ है और एक इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। आपने क्या देखा सर, हमें एक कुछ इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन जानते हो? पहले मैं आपको, चलो मैं इस कॉमन वर्ड को आपको समझाता हूँ कि कॉमन किसे कहते हैं। देखिए इंग्लिश में जिसे कहा जाता है सर कॉमन, और जिसे हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ। जैसे मैं कुछ यहाँ पर आपको बताता हूँ, रुक जाओ एक बार, पहले मेरी सुन लो, रुक जाओ थोड़ी मेरी भी सुन लो फिर आप समझ। जैसे ये मान लो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्कूल में स्टूडेंट्स हो, अब अगर मैं पूछूं कि इन सब में क्या कॉमन है, सबके नाम मान लो कि अलग अलग है, ठीक है, किसी का आर से नाम स्टार्ट हो रहा है, किसी का एस से, किसी का पी से, किसी का टी से, किसी का ए से, किसी का बी से, है ना, और ये सब स्कूल में आए हुए हैं और स्कूल की प्रेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? सर सबने स्कूल ड्रेस पहन रखी है, तो सबने स्कूल ड्रेस पहन रखी है, और सब मान लो सबके सब 5th क्लास में है, ठीक है। अब मैं पूछूंगी सर इनके पास में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर एक तो सबकी स्कूल ड्रेस कॉमन है, एक सबकी सबकी जो क्लास है वो कॉमन है, दूसरे सर इनके पास में जो बुक्स है टेक्स्ट बुक्स वो सबके पास में कॉमन है, और ये जो होमवर्क करेंगे वो भी समान करेंगे, और इनको जो टीचर पढ़ाएंगे वो भी कॉमन है, इनके पास में सेम टीचर सबको पढ़ाएगा, है ना। ये क्या है इनमें कॉमन, कॉमन का मतलब कि जो सबके पास में, जो सबके पास में वो कॉमन कहलाता है। आपके पास में चाहे अगर मैं इन टू स्टूडेंट्स में कॉमन पूछू तो भी यही रहेगा, चाहे इस पूरे में पूछू तो भी कॉमन यही रहेगा। अगर मैं पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स में कॉमन पूछू तो क्या मिलेगा सर, स्कूल ड्रेस कॉमन मिलेगी। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अलग क्लास में हो सकता है कि बुक्स उनके पास में अलग हो सकता है उनको होमवर्क अलग हो, टीचर अलग पढ़ाते हो, लेकिन सर उनकी जो स्कूल ड्रेस है वो सब में कॉमन रहेगी पूरे स्कूल में, तो इसे बोलते हैं सर कॉमन या उभयनिष्ठ कहा जाता है। अब यहाँ देखो आपके पास में, ध्यान रखना, कॉमन कब पता फाइंड आउट कर सकते हो, जब आप किसमें हो सर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो तभी कर सकते हो कॉमन। अब सर इन दोनों में आपके पास में क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ इन दोनों के पास में 7/2 मल्टीप्लाई में, इसके पास भी 7/2 मल्टीप्लाई में, इसके पास भी 7/2 मल्टीप्लाई में, दोनों के पास में तो कॉमन कौन सा हो गया सर 7/2। तो एक काम करो जो कॉमन है उसको बाहर लियो सर, बाहर कैसे अभी दिखाता हूँ, इसको लियो बाहर, यहाँ लगाओ एक ब्रैकेट। अब आपने इसमें से क्या बाहर लेके चले गए सर, इसमें से 17/2 हम बाहर लेके चले गए, तो पीछे कितना रहा सर 3, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस लिखा हुआ है, इसमें से भी क्या चला गया सर 17/2 बाहर की तरफ चला गया, यहाँ कितना रहा सर 2। अब एक काम करो 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना रहेगा सर 1 ब्रैकेट 17/2, क्या यहाँ पर कोई साइन है? नहीं, तो फिर किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, तो सर 17/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो ये आ गया सर 17/2, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8/1/2 रहेगा, ये भी होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको हो सकता है कि अच्छा समझ में आए। जैसे मैंने लिखा 8/6/2
मल्टीप्लाई फोर माइनस एट, एट सिक्स टू मल्टीप्लाई टू प्लस एट सिक्स टू मल्टीप्लाई थ्री। आपको मान लो ये क्वेश्चन दो तो आप कहोगे सर इसमें तो हर बार 862 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको पता चला कि सर आपने हमको एक बार ऐसी ट्रिक सिखाई थी कि जिसमें कॉमन कॉमन हम फाइंड आउट कर लें, तो अगर सब में कॉमन हो तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेते तो इधर तो रहा 4 माइनस इधर रहा 2 और इधर रहा 3। अब सर बहुत ईजी कर दिया आपने, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 और 2 में 3 प्लस किया तो 5। ये लो सर 5 यहाँ पर ब्रैकेट में आया, 5 किस में आया ब्रैकेट के अंदर आया, बाहर की तरफ 862 रहा। मल्टीप्लाई बाहर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बनाएंगे, इसको ले लो सर छोटा सा, केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 टू जा 10, 1 रहेगा कैरी, 5 6 जा 30 और 31, 3 कैरी, 5 8 जा 40 और कितना हो गया सर 43। ये रहेगा सर इसका आंसर, छोटा सा था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये कर सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ से मैं इसकी मेथड से बताता हूँ कि सर ये यहाँ पर 4 क्यों रहा, देखो 4 क्यों रहा इसकी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास में ये लिखा हुआ है ना, आपने जो कॉमन लिया पता उसका क्या किया आपने, आपने इस कॉमन का इसमें डिवाइड कर दिया, इस कॉमन का क्या कर दिया इसमें डिवाइड कर दिया। तो सब में आपने क्या किया कि सर सब में हमने जो कॉमन लिया था उसका हम सब में डिवाइड कर दिया, हमने क्या कर दिया जो कॉमन था उसका सब में डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि सर 862 में 862 का वन टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ भी वन टाइम डिवाइड हुआ और यहाँ भी वन टाइम डिवाइड हुआ। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसलिए ये हमारे पास में 4, 2 और 3 लिखे गए, क्योंकि जो कॉमन लेते हो ना उसका क्या करते क्या हो सर उसका हम डिवाइड कर देते हैं, उसका हम स्पेशली क्या कर देते हैं उस पूरी जो आपके पास में ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। और कॉमन कब आता है जब सेम नंबर्स हो सबके पास में, है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो इसका यूज कर सकते हो आप, नहीं आप सिंपली इसका कर सकते हो, इसका यूज करने से, सुनो मेरी बात, इसका यूज करने से क्या होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें 51 अपॉन 2 लिखना पड़ा, 34 अपॉन 2 इतना नहीं करना पड़ेगा, बाहर निकाला 3 माइनस 2 1 और फिर सीधा 72 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, बस ये इतना सा थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। सर आपने अभी भी हमें बहुत अच्छी बात सिखा दी, हम बार बार इसको मल्टीप्लाई करके हमारा माइंड खराब नहीं करेंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे 999, क्योंकि सब में एक ही चीज कॉमन आ रही है जो सबके पास है, हम सबके पास है वो सबसे छीन लेंगे। पहले इससे छीन लिया तो इसके पास में 3 रहा, इससे हमने ले लिया तो इसके पास में 2 रहा, इससे ले लिया तो 1 रहा। ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, माइनस किसी का प्लस प्लस किसी का माइनस मत कर देना। अब तो सर बहुत ही जी, 3 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा सर 1, और 1 में 1 प्लस कर दिया तो कितना रहा 2। तो सर ये 999 इधर रहा और यहाँ पर 2 रहा। सर बीच में कोई साइन नहीं था तो हमने लगा दिया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई लगा के कर दिया 2। अब बताओ 999 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा 18, 1 रहेगा कैरी, 9 टू जा 18 और 1 9, 1 रहेगा कैरी, 9 टू जा 18 और 1 9, तो ये आ गया सर 1998 और ये हमारा रहेगा सर आंसर। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे लिखना है नवोदय क्विज, ठीक है, तो ये वाला आएगा नवोदय क्विज, इस तरह का आपको साइन देख लेना है, इसको सबसे पहले आपको कर लेना है इंस्टॉल। जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ ना ये बॉक्स, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके इसको तो कर देना टिक मार्क, और ये जो गूगल दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके फोन में जो भी जीमेल्स होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, तो उनमें से किसी भी एक जीमेल को सिलेक्ट कर लेना, हो सकता है कि आपके फोन में एक जीमेल होगी तो एक दिखाई देगी, एक से अधिक होगी तो ज्यादा दिखाई देगी, ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, सिलेक्ट जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास में कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है, फिर ये आपके पास में आपका यहाँ पर जो भी आपने नाम लिखा हो दिखाई देगा, फिर आप इस आपकी जो प्रोफाइल पिक है इस पर आप क्लिक करना, इस पर जब क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको इस तरह की कुछ प्रोफाइल पिक दिखाई देगी, यहाँ आप यूजर नेम है इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का नाम आएगा, यहाँ आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर लिख देना और यहाँ से फिर इसको सबमिट कर देना। अब उसके अलावा और क्या बताऊं, इसके अलावा देखो आपने जब ये स्क्रीन पे गए तो 3 डॉट्स आपके पास में दिखाई दे रहे हैं ना, इस पे क्लिक करना आप, जब आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे
तो आपके पास में जब इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास में लीडर बोर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है, एक लीडर बोर्ड लिखा आएगा, उस लीडर बोर्ड पे क्लिक करना और ये देखना, फिर आपको पता चलेगा कि टुडे लीडर बोर्ड में कहाँ है, ये हमारे दिव्यांश यहाँ पर है, ये मयंक और ये अपने अंशराज है, बाकी जो भी रहेगा वो जितने आपके स्कोर रहेंगे वो रहेंगे। अब आप कहोगे सर क्विजेस कहाँ मिलेगी, तो मैं देखो क्विजेस दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा ब्रेन मैथ, ये जैसे ब्रेन मैथ प्रैक्टिस है, मेंटल एबिलिटी है, यहाँ व्यू ऑल करने पर आपको और सारी क्विजेस दिखेगी, इसी तरह डेली क्विज है, रेंडम क्विज है, जैसे मान लो आपने ब्रेन मैथ पे क्लिक किया तो इस तरह की कुछ आपके पास में क्विजेज आएगी, जिसमें टू डिजिट की जो एडिशन होती है ना, टू सिंगल डिजिट, इसी तरह जैसे 2+2, 8+7, इस तरह की क्विजेज है डेली की डेली, इसमें 500 क्वेश्चन है, इसी तरह थ्री सिंगल डिजिट है, ये सारी एडिशन के, इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन भी आएंगे, तो डेली का डेली आपको इसमें लेवल्स है, तो अलग अलग लेवल, डेली की 10 लेवल टारगेट बना लो कि आज हमें 10 लेवल आप प्रैक्टिस करनी है, तो डेली का डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी धीरे धीरे माइंड की जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको इसको अच्छे से आपको इसको देखना और रोज इस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका माइंड तेज होगा और फिर आप जब जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको वहां बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको डेली का डेली करना है।